झरिया के सुदामडी थाना अंतर्गत एएसपी कोलियरी का नया लोडिंग पॉइंट बना खूनी संघर्ष का अड्डा। सभी ट्रेड यूनियन अपने अपने वर्चस्व को लेकर एएसपी कोलियरी के लोडिंग पॉइंट पर आज दूसरे दिन शनिवार को भी किया विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि एएसपी कोलियरी सुदामडी फायर पैथ से उत्खनन कर बनाया गया कोयला डंप को बीसीसीएल के द्वारा रोड सेल चालू किया जाना है, जिसे लेकर सभी ट्रेड यूनियन के नेताओं ने स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर एएसपी लोडिंग पॉइंट पर शनिवार को भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष निताई महतो, यूनाइटेड ज्वाइंट फ्रंट के अभिषेक सिंह और जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के ममता सिंह शामिल थी। एक ही दिन में तीनों मोर्चा का विरोध प्रदर्शन किसी बड़ी घटना की संकेत से इनकार नहीं किया जा सकता है। आखिर इस प्रदर्शन पर क्यों नहीं जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधक की नज़र पड़ रही है? क्या जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधक खूनी संघर्ष का इंतजार कर रही है? यही नहीं, प्रदर्शन के दौरान कोल डंप में सैकड़ों लोगों ने खूब सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाया एवं प्रदर्शन कर रहे लोग भी भूल गए कि धनबाद में कोरोना वायरस अपना पांव तेजी से पसार रहा है और इस दौरान इस तरह का प्रदर्शन कोरोना वायरस को दावत देने के बराबर है। वहीं प्रदर्शन में शामिल नेताओं से जब सोशल डिस्टेंस को लेकर सवाल पूछा गया तो नेताओं ने जवाब दिया, भूख से मरने से अच्छा है कि अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ते लड़ते कोरोना से ही जान चली जाए। यही नहीं, नेताओं ने यह भी कहा कि जब तक प्रबंधक मैनुअल लोडिंग को लेकर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देगी, ये लड़ाई चलती रहेगी। आइए देखते हैं निताई महतो, सुमित सुपकार, अभिषेक सिंह और ममता सिंह क्या कहते हैं। मांगे क्या है आप लोग? जगह का हम लोग का पूर्वजा कहाँ पैदा, उसके बाद बीसीसीएल दिया है, ये उसकी कमजोरी। हम लोग यहीं का गांव का सारा आदमी है, अगल बगल का सब कुछ है। यहाँ प्राइवेट सेल का 10 टन का आया है। हम लोग चाहते हैं, पूर्व में भी हम लोग मैनुअल लोडिंग किए हैं, यही संदिग्ध समस्या। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पुनः मैनुअल लोडिंग चालू हो, मशीनीकरण बंद हो। कारण कोरोना से पूरा देश में जो हमारा गरीब भाई बहन लोग काम करने गया था, आज वो लोग हमारे गाँव में आ गया है। आज वो लोग का ऐसा स्थिति है कि भूखे मर रहा है। तो हम लोग अगर सामाजिक कार्यकर्ता नेता है तो हम लोग का दायित्व बनता है कि आदमी को घर से मरने से अच्छा भूखे हम लोग लड़ाई लड़के इसको मुकाम तक पहुंचाएंगे और मैनुअल लोडिंग करेंगे। कल भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया है? हम लोग कल प्रदर्शन नहीं किया है। हम लोग सारा संयुक्त मोर्चा के नेता हम लोग प्रोजेक्ट में नहीं आया था। कुछ बाहर का आदमी आया था, सुनने में आया है, जो जिसका कुछ यहाँ लेना देना नहीं है। हम लोग प्रोजेक्ट का बाहर में एक मीटिंग किया, एक संकेत मैनेजमेंट को देने का प्रयास किया कि हम लोग से वार्ता करे, पहल करे मैनेजमेंट, मगर मैनेजमेंट कान में तेल लेके सुता हुआ है। मैनेजमेंट कोई पहल नहीं कर रहा और उल्टा बाहर से कुछ मैनेजमेंट का ही मिलीभगत से गुंडा लाके गांव का आदमी को दिग्भ्रमित करना चाह रहा, जिससे मैनुअल लोडिंग ना हो, यहां लड़ाई हो जाए। मगर हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे, जब तक मैनुअल लोडिंग नहीं चालू होगा हम लोग चरणबद्ध तरीका से ये आंदोलन जारी रहे। वर्कशॉप की लड़ाई भी है क्या, जिस तरह से आपने अभी लड़ाई रहता? तो हम लोग के साथ यहाँ जो पोषक क्षेत्र का हम लोग हैं तीनों पार्षद, प्रियंका देवी, पुष्पा सुक्का, चंदन महतो नहीं रहते। ये तो जग जाहिर है कि तीन तीन पार्षद जो यहाँ जीता है यहीं का जनमानस के कागज से जीता। पांचों सेंट्रल ट्रेड यूनियन, जो निताय महतो वेलफेयर बोर्ड का मेंबर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता है, समरेश सिंह का नेता है, शंकर रवानी है, राजा चौधरी है, सारा आप लोग इतना दिन से पत्रकारिता करते हैं, हम लोग का एक मिलाप है। आप भी देखिए दादा, एक चीज बोल रही है उसको लेके क्या कहें, पूर्व में बहुत आदमी ने धज्जियाँ उड़ाया है मगर हम लोग धज्जियाँ नहीं उड़ाएंगे। आपको बता रहे हैं हम लोग अभी डिस्टेंसिंग बना के बैठेंगे सब, और हम लोग 1-2 घंटा यहाँ पर बैठेंगे, एक रणनीति बनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको चरणबद्ध आंदोलन के तरीका से लेते हैं। उनसे किसी प्रकार की वार्ता नहीं हुई है, जैसा हम लोगों को मालूम चला है इस क्षेत्र से कि प्रबंधन ज़बरदस्ती कलोडर लोडिंग लगाने के फिराक में है। इस कलोडर मालिकों से साथ बात हुई है प्रबंधन की, वही सूचना मिली है जो कि बहुत ही अनैतिक सूचना है। जब इतने मजदूर लोग, इतने ग्रामीण लोग, बेरोजगार लोग जब अपनी मांग रखे हैं तो प्रबंधन को इस तरीके का अमानवीय रवैया सोधा नहीं देता। अगर आपकी मांगों को पूरी तरह से दरकिनार किया जाएगा तो आप, अगर हमारी मांगों को प्रबंधन द्वारा दरकिनार किया जाता है तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि औद्योगिक संबंधों को बिगाड़ने में प्रबंधन एक कदम आगे बढ़ चुकी है। प्रबंधन का कहीं से भी ये आशय नहीं है कि औद्योगिक संबंध मधुर है। प्रबंधन चाह रही है कि मैं
अनलोडिंग बंद करा के यहाँ के बेरोजगारों को भूखे मार दे, तो सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हम लोग बेरोजगारों के साथ यह नया अभिषेक भी है जिंदा। क्या कर रहे हैं आप, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग, क्या मांग है आप लोग? हम लोग का मुख्य मांग है कि यहाँ पर आपका जो रोड सेल चालू हुआ है उसमें यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं बेरोजगार लोग को मैनुअल लोडिंग चालू करने का हम लोग डिमांड भी शुरू किया। लगातार प्रदर्शन हो रही है, सोशल डिस्टेंस प्रकोप बढ़ाया हुआ है, उसके बावजूद ऐसा क्यों? अगर निश्चित रूप से कोरोना का महामारी फैल रहा है, हम लोग उसको डिस्टेंस बना करके हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना से मरने का तो है ही है, लेकिन यहाँ भूखे से लोग मरने का ये प्रकृति हो गया है। लोग भूखे से मरने के लिए दुर्गत हो गया है। आज एक तो छोटा सा रोजगार अगर मिला है उस पर भी अगर लोगों को काम नहीं मिले यहाँ के लोगों को, तो लोग कोरोना से तो बाद में मरेंगे, भूखे लोग मर जाएंगे। लेकिन ज़्यादा लगातार प्रदर्शन क्यों हो रही है, वजह क्या है इसके पीछे, क्या प्रबंधन का मंशा क्या है? प्रबंधन का मंशा है कि यहाँ पर मशीन से लोड करेंगे, जिसका हम लोग किसी भी हालत में होने नहीं देंगे। इसलिए कि झारखंड सरकार का भी घोषणा है कि जो प्रवासी मजदूर जो बाहर में काम कर रहे थे, आज महामारी के चलते लोग आपस में किसी तरह से हजारों किलोमीटर पैदल आकर के लोग अपना अपना स्थान में आए, वैसे लोगों को कम से कम रोजगार मिले और उनकी रोजी रोटी की के सवाल को लेकर के हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। कल कोई वार्ता नहीं हुई क्या प्रबंधक से? ना, अभी मैनेजमेंट को लिख करके दिया गया है, मैनेजमेंट वार्ता का भी छोड़ दीजिए, इस पर कोई पहल करना भी उचित नहीं था। तो क्या ये प्रदर्शन लगातार चलेगी? निश्चित रूप से जब तक ये मैनुअल लोडिंग नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलेगा। वार्ता नहीं मिल पिंडरा जोरा स्थित सर्वोच्च विद्यालय 10+2 की छात्रा निशा कुमारी ने पूरे जिले भर में अपना परचम लहराया। किसान की बेटी ने बहुत ही मेहनत कर इस मुकाम को हासिल किया, साथ ही उन्होंने बताया कि आगे चलकर वह शिक्षिका बनना चाहती है। इस बात पर उनके शिक्षिका ने कहा कि अपना नाम के साथ साथ वह पूरे स्कूल का भी नाम रोशन किया है। आइए देखते हैं छात्रा और शिक्षिका क्या कहती है। आप जो इस मुकाम को हासिल की, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे मेरे सर लोग और मैम लोग का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने उनको हर संभव मतलब जितना तक हो सके उतना हमारी मदद की, जैसे कि अगर मेरे कभी पैसे की कमी हो जाती थी या फिर कहीं से भी बुक नहीं जुगाड़ होता था तो सर लोग कहीं से जुगाड़ करके देते थे या फिर खरीद करके भी देते थे। आप पढ़ाई कितना घंटा करते थे? पढ़ाई तो सर हम ऑल टाइम पढ़ते थे, मतलब कभी अधिकतर हम 11 घंटा पढ़ते थे लेकिन कभी कभी 13 और 12 भी हो सकते हैं। इसी प्रकार का आपको मतलब ये रिजल्ट जो आया इस कारण से आप क्या बोल सकते हैं? रिजल्ट कभी मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमको नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस समय एग्ज़ाम सिर्फ 3 महीना बाकी था उस समय मैं बहुत नेगेटिव सोच में, मतलब पूरी तरह से नेगेटिव सोच में नर्वस थी। हाँ नर्वस थी, मेरे मतलब पॉजिटिव सोच आ ही नहीं रहे थे। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मेरे अंदर कुछ अच्छे ख्याल आए ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। मेरे मन में बहुत दिन से पहले से ही था कि मैं कुछ अच्छा सा करके दिखाऊँ, घर का नाम रोशन करूँ, सभी का नाम रोशन करूँ, किसी का नाम रोशन करूँ। लेकिन क्या होता था कि जैसे जैसे एग्ज़ाम निकट आया वैसे वैसे मैं नर्वस होती जा रही थी, इसलिए हमको लगा था कि शायद मैं इस बार नहीं कर पाऊँगी। हमको मतलब अपने आप में बहुत क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंट लेवल कम हो गया था। हाँ बिल्कुल, आत्मविश्वास कम हो गया था। तो फिर धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति में हम सर और मैम लोगों को फ़ोन करते थे प्रत्येक दिन, तो वही लोग मुझे पॉजिटिव सोच देते थे और उनके थ्रू ही मैं आज इस मुकाम तक पहुँची। आगे क्या करना चाहती हूँ? आगे देखेंगे क्या होगा, वैसे BA में नाम लिखाएंगे। फिर भी लक्ष्य क्या है, आगे क्या हो सकता है? आगे सर बचपन से मेरा शौक है कि मैं शिक्षिका बनूँ। मैं चाहती हूँ कि सर लोग मुझे जो कुछ भी सिखा रहे हैं मैं उसको भी कुछ दूसरों को दूँ, ये मेरा सपना है। थैंक यू। ये जो लड़की जिला टॉपर की, इनका नाम निशा कुमारी, ये क्या इसी स्कूल में पढ़ती थी? हाँ, इसी स्कूल में, हमारे स्कूल से ही पास आउट हुई। ये सिर्फ अभी तो जिला टॉपर हुई है, लेकिन इससे पहले 11th
इसने अच्छा प्रदर्शन किया जी, स्कूल का टॉप स्टूडेंट। हाँ हाँ, ये टॉप स्टूडेंट है और सभी सभी चीज़ों में ये अच्छा ही प्रदर्शन हमेशा इस तरह, या डांस बोलिए, खेल बोलिए, या कुछ भी, सब में अच्छा। आप क्या कहना चाहते हैं, आपका स्कूल का बच्चा जिला टॉपर के इस विषय में? हम लोगों को तो काफ़ी खुशी हो रही है, गर्व भी महसूस हो रहा है भाई। हम लोगों ने ऐसा तो हम लोगों को ये आइडिया था कि हाँ कुछ अच्छा होगा, लेकिन इतने बड़े स्तर पे अच्छा हुआ तो हम लोग काफ़ी।